हेलो स्टूडेंट, आपने देखना शुरू कर दिया है स्किल डायरेक्शन। आज हम पीएचडी से रिलेटेड अपडेट लेके आए हैं। ये जो निकला हुआ है पीएचडी नोटिफिकेशन जनवरी और जून 2024 सेशन के लिए निकला हुआ है, तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स में बताएंगे। आप वीडियो के साथ बने रहिए। आगे पढ़ने से पहले बता दूँ कि मैं पीएचडी से रिलेटेड अपडेट लेके आता हूँ। जैसे कि अभी फिलहाल कुछ दिनों में मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी के कुछ नोटिफिकेशन लेके आया है, तो अभी उसको अभी आप देख लीजिए। ये है महात्मा ज्योति फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली में है, यहाँ पे पीएचडी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और डेट 5 दिसंबर तक है। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का, जहाँ पे लगभग 500 सीटें पर निकली हुआ, डेट 10 दिसंबर तक है। इसी तरह मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश का भी बनाया है और 4 NIT पर भी वीडियो बनाया है और हेमचंद्र यादव जो दुर्ग छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सिटीज़ पर वीडियो बनाया है। ट्रिपल आईटी पर मैंने सोनीपत पर वीडियो बनाया है, तो इस तरह के मैंने वीडियो लेकर आया हूँ और इससे भी ज़्यादा मैंने वीडियो बनाया तो जाकर दे सकते हैं। अब तो देखिए, ये है डिपार्टमेंट यहाँ पे निकला हुआ है, उसमें देख तो ये है डिपार्टमेंट है सिविल इंजीनियरिंग में, बोर्ड ऑफ स्टडी है, ब्रॉड एरिया ऑफ स्टडी है। तो मैं सिर्फ डिपार्टमेंट यहाँ पे बताऊंगा आपको कि किन किन डिपार्टमेंट में निकला हुआ है। तो देखिए, ये हो गया सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है। उसके बाद 5 नंबर पर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है और केमिकल इंजीनियरिंग है, इसमें निकला हुआ है। और उसके बाद आप देख सकते हैं बायो इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग के बाद बायो इंजीनियरिंग है और उसके बाद यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, यहाँ पे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है और यहाँ पे देख लीजिए 13 नंबर पर है मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस है। इसमें देख लीजिए मैनेजमेंट में आप दे सकते हैं, सोशल साइंस में, सोशोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में और यहाँ पे देख सकते हैं रूरल मैनेजमेंट में, डेवलपमेंट में, सोशोलॉजी में है, यहाँ पे सोशोलॉजी है तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी में इस समय है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए, यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन के लिए जो है यहाँ पे मस्ट बी ऑन, निम्नलिखित में से आपको यहाँ पर कुछ कोई एक होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, तो इसमें से ज़रूर होना चाहिए इसमें से, तो देख लीजिए मास्टर डिग्री आपको होना चाहिए, 65% मार्क्स आपका होना चाहिए, 6.5 होना चाहिए आउट ऑफ 10 CGPA में अगर आप हैं, तो बैचलर डिग्री में भी आपका होना चाहिए और 90% मार्क्स आपको होना चाहिए, मास्टर डिग्री में आपको 6.5 होना चाहिए। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको गेट और नेट जो है MHRD का जो है वो आपके पास स्कोर होना चाहिए आपको। और जो किस कैटेगरीज में यहाँ पे निकला हुआ है आपको बता दें, तो देखिए यहाँ पे निकला हुआ है फुल टाइम में निकला हुआ है और विथ स्कॉलरशिप है। तो कैंडिडेट के पास अगर आप स्कोर है मैंडेटरी है आपका, गेट में है HRD मिनिस्ट्री गेट के अनुसार आप स्कोर मैंडेटरी है आपको होना चाहिए, तो स्कॉलरशिप आपको दिया जाएगा। और PhD के लिए फेलोशिप जो है अवार्डिंग द स्कॉलर हु आर एडमिटेड अंडर द कैटेगरी सब्जेक्ट ऑफ अवेलेबल ऑफ स्टिपुलेटेड MHRD जो है अवार्डिंग दे दी जाती है, उसके अनुसार फेलोशिप है तो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और फुल टाइम स्पॉन्सर जी है तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, फुल टाइम आपका स्पॉन्सर रहे तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और गेट के लिए स्कोर आपका नॉट मैंडेटरी है, इसके लिए गेट का आपको ज़रूरी नहीं है, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा डायरेक्ट इंटरव्यू के द्वारा। तो एडमिशन टू PhD प्रोग्राम इन साइंस डिपार्टमेंट मस्ट सेटिस्फाई वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आपका है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और मास्टर डिग्री इन साइंस विथ ए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका है विथ एंड मिनिमम 65 मार्क्स आपका है और इक्विवेलेंट अगर है आपके पास तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और UGC नेट गेट का है तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह से आपको अगर मास्टर डिग्री है आपको टेक्नोलॉजी में तो यहाँ पे फुल टाइम में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको।
और स्कॉलरशिप के बारे में है, एमबीए आपके पास होना चाहिए, गेट नेट अगर है तभी यहाँ पे फुल टाइम में आप अप्लाई कर सकते हैं। और इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉई भी है, रिसर्च स्कॉलर है, रजिस्टर है, तो उसको लिए भी अंडर कैटेगरी में पार्ट टाइम में आप भी अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम जो यहाँ पे आपको लेना है वहाँ पे, तो नेट गेट ए और डी जो है तक पूरा डिटेल्स में दिया है, तो उसके अनुसार आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं, पॉलिसी है। और इम्पोर्टेंट नोट है कि आपका रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार, और स्कॉलर एडमिटेड फुल टाइम, सेल्फ फाइनेंस पार्ट टाइम, इंस्टीट्यूशन स्टाफ फुल टाइम, स्पॉन्सर एंड एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन कैटेगरी विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी फाइनेंशियल असिस्टेंट, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट कोई नहीं दिया जाएगा। और अवेलेबल सीट ऑफ द इस तरह अनुसार है, ओपन में अब ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी एसटी, इस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया गया है। ये होगा इंस्ट्रक्शन अप्लाई करने के लिए, आपको ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई करिएगा जाके वेबसाइट पर, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीपल प्रोग्राम मस्ट बी अप्लाई, यहाँ पर सेपरेट रजिस्ट्रेशन करके आप कई सब्जेक्ट में भी अब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे है पीडीएफ, उसका अप्लाई करने के बाद पीडीएफ उसको डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट कॉपी एंड फुलफिल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट सपोर्ट और डेट ऑफ बर्थ सभी आपको फुल कर करके, ऑल द डॉक्यूमेंट आर सेल्फ अटैच का होना चाहिए, तो प्रिंट आउट कॉपी इसको रख लीजिए, ओरिजिन दिखे, ऑन द डे ऑफ सिलेक्शन का दिन लेके सब जाना होगा आपको, जो जो अप्लाई किए हैं वहाँ पे भरे हुए हैं, ऑनलाइन अप्लाई में आप दिए हैं तो वो लेकर जाना होगा। और यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल लेके जाना होगा, स्कैन करके ओरिजिनल सब डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर देना होगा, ये सब देख लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट है बताने की ज़रूरत नहीं है। और इम्पोर्टेंट नोट है यहाँ पे, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा ये है, और कैंडिडेट शुड बी पीएचडी प्रोग्राम थ्रू द ऑनलाइन मोड, आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ₹500 देना पड़ेगा, देख लीजिए यहाँ पे, या इसको पढ़ लीजिए सही से, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको ₹500 लगेगा। किन को ₹500 लगेगा, जो ओपन में है, ओबीसी है, नॉन क्लीमियर, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, उनको ₹500 देना पड़ेगा, एंड 300 फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनको देना पड़ेगा। तो ऑफलाइन एंड हैंड रिटन एंड और प्रिंटेड एप्लीकेशन विल नॉट बी इंटर, आपको नहीं इंटर करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर है तो सबमिशन आप कीजिएगा, और एडी जो ऊपर बताया गया है उसके अनुसार ही यहाँ पर रिटेन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, इंस्टीट्यूशन में कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उसके अनुसार आपका एडमिशन होगा। और इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो आपको इम्पोर्टेंट डेट आपको हम बता देते हैं, तो इम्पोर्टेंट डेट देख लीजिए, आपका स्टार्ट हो जाएगा, आपका फॉर्म 13 नवम्बर से शुरू हो गया है और 10 दिसंबर तक चलेगा, आपको लास्ट डेट सबमिशन ऑनलाइन अप्लीकेशन, आपको लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, और लास्ट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 12 तक कर सकते हैं, पब्लिकेशन शॉर्ट लिस्ट 20 तक हो जाएगा, और रिटर्न टेस्ट आपका 2 जनवरी को होगा, पब्लिकेशन ऑफ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट 5 तक हो जाएगा, पेमेंट आपको 5 तक करके उसके बाद पीएचडी शुरू कर सकते हैं यहाँ पे। यह है फुल टाइम स्पॉन्सर इंस्टीट्यूशन सबके लिए, यहाँ पे ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा यहाँ पे आपको, और नंबर ऑफ इन सीट जो है इनके डिक्रीज होते रहेंगे। ये जो इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था अगरतला का है, यहाँ पर निकला हुआ है, अगरतला में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, डाउनलोड करके यहाँ पे पूरा डिटेल्स है, यहाँ पे देख लीजिए, ये अगरतला का नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे पूरा डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है, ये यहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं पूरा पीएचडी अगरतला जोन के निकला हुआ है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं, तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे और अप्लाई कर दीजिएगा। तो ये रहा पीएचडी से रिलेटेड अपडेट, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अंत में यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत मिले। थैंक यू वॉचिंग स्किल डायरेक्शन। हेलो स्टूडेंट, आप पीएचडी करना चाहते हैं तो यह प्लेटफॉर्म आपके लिए है, क्योंकि स्किल डायरेक्शन पर पीएचडी से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। पिछले एक महीने में स्किल डायरेक्शन ने 70 यूनिवर्सिटियों के पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन पर ऑन टाइम वीडियो बनाया है। पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्किल डायरेक्शन।